चैनल स्माइलिंग आइकन। आज मैं ईएमटी वॉल्यूम 1 का चैप्टर 4 शार्प थिंकिंग का एमसीक्यू वीडियो अपलोड करूंगा, जो प्रीवियस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। सो गाइस, इस टॉपिक को एंड तक जरूर देखें ताकि शार्प थिंकिंग से रिलेटेड आपका कोई कंप्लीट क्वेश्चन कवर हो। चैप्टर का नाम है शार्प थिंकिंग, ये वॉल्यूम 1 का है, चैप्टर 4 है। इसका पहला क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड मेथड से कोयला निकालने के लिए सिम तक पहुंचने के लिए कितना रास्ता होता है या कितना रास्ता बनाया जाता है। जहां पर अंडरग्राउंड माइंस में अगर सिम अगर डीप में होता है तो वहां पर हम लोग पीट बनाते हैं, पीट या शाफ्ट एक ही चीज होता है। और अगर सिम अगर आपका कम डेप्थ में है तो इंक्लाइन बनाते हैं, जिसे हम लोग सीढ़ी खात कहते हैं। और जहां पर पहाड़ी इलाका होता है वहां पर एडिप बनाया जाता है। तो अंडरग्राउंड मेथड से कोयला निकालने के लिए हम लोग तीन को रास्ता का उपयोग करते हैं। मैं शाफ्ट का शेप कैसा होता है, हम लोग इंडिया में कोल माइनिंग मेथड में शाफ्ट जो बनाया जाता है किस टाइप का बनाया जाता है, कुआं टाइप का बनाया जाता है। मतलब शाफ्ट का आकार कैसा होगा, सर्कुलर, कुआं जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल माइंस में शाफ्ट का शेप कैसा होता है। मेटल माइंस में शाफ्ट का शेप कोल माइन की तरह नहीं होता है, मेटल माइंस में शाफ्ट का शेप रेक्टेंगुलर बनाया जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए आप लोग। कोल माइन में शाफ्ट का शेप सर्कुलर क्यों बनाया जाता है। मान लीजिए इंडिया में जो भी जितना भी सिंकिंग शाफ्ट होता है सर्कुलर बनाया जाता है, सर्कुलर मतलब गोलाकार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, शाफ्ट को सर्कुलर इसलिए बनाया जाता है ताकि जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट है कुआं आकार में, इसका जो साइड का प्रेशर है वो मतलब शाफ्ट बर्दाश्त कर सके, साइड प्रेशर को, साइड प्रेशर को सह सके, इसलिए साइड प्रेशर को सह सके इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनिश्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट, हम लोग जो भी शाफ्ट खुदाई करते हैं कोई गोलाकार में या मतलब कुआं के आकार में, तो उसका डायमीटर कितना होता है। उसका डायमीटर आपका 4.2 से 6.7 मीटर के बीच में ही उसका डायमीटर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर शाफ्ट किस मेटल माइंस का मेन शाफ्ट है। रेक्टेंगुलर शाफ्ट हम लोग का दो जगह, एक है ज्वार माइंस, ज्वार माइंस यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है, और एक तो है मोचाई मार्गा माइंस, MOCHI मोचाई मार्गा माइंस। ये दो मेटल माइंस में शाफ्ट का शेप रेक्टेंगुलर रखा गया है। क्वेश्चन है मेरा, मोचाई मार्गा माइंस के रेक्टेंगुलर शाफ्ट का साइज कितना होता है। रेक्टेंगुलर शाफ्ट दो ही मेटल माइंस में है, एक बोले थे कि ज्वार राजस्थान और नेक्स्ट आपको मोचाई मार्गा माइंस में है। तो इसमें शाफ्ट का साइज का क्या है, 5.2 से 3.8 मीटर क्रॉस सेक्शन, ये इस मेटल माइंस का शाफ्ट का मतलब साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट का साइट सिलेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है। आपको शाफ्ट कहां पर बनाना है उस जगह को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जगह का सिलेक्शन के लिए पायलट होल किया जाता है, पायलट होल किया जाता है। पायलट होल से आपका साइट का मतलब कहां शाफ्ट खुदाई करना है वो जगह का सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाफ्ट के साइट के कितना रेडियस के अंदर पायलट होल किया जाता है। जहां पर हमको सिंकिंग शाफ्ट करना है या शाफ्ट का जगह चूज करना है उसके कितना मीटर के रेडियस में हमको सिंकिंग करना है, तो 50 मीटर के रेडियस में ही हम मतलब आपका पायलट होल लगाते हैं। नेक्स्ट है कि ग्राउंड सरफेस से वर्टिकल शाफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। जहां से आपका जहां मतलब सरफेस में सरफेस से आपका सिंकिंग के लिए स्टार्टिंग किया जाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट का नाम है शाफ्ट कॉलर, शाफ्ट कॉलर। ग्राउंड में जहां से हम लोग सिंकिंग स्टार्ट करते हैं उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग शाफ्ट कॉलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाफ्ट सिंकिंग में कितना लाइनिंग होता है। जब हम लोग सिंकिंग शाफ्ट करते हैं तो साइड का मटेरियल धस सकता है, साइड का जब सिंकिंग किसी जगह में जैसे मान लीजिए किसी जगह में हम लोग पुआ खोल रहे हैं तो इस साइड क्या होगा, साइड आपका धस सकता है। इस साइड को धसने से रोकने के लिए हम लोग दो तरह का लाइनिंग का उपयोग करते हैं। तो सिंकिंग शाफ्ट में लाइनिंग कितना तरह का होता है, दो तरह का लाइनिंग होता है,
एक होता है टेम्पोररी लाइनिंग और एक होता है परमानेंट लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंकिंग करते समय साइड एक्सकेवेशन को रोकने के लिए कौन सा लाइनिंग उपयोग किया जाता है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि सिंकिंग शाफ्ट में हम लोग लाइनिंग दो तरह का किया जाता है, जो साइड प्रेशर को मतलब धसने से रोक सकता है। तो हम लोग सिंकिंग जनरल जब स्टार्ट करने कंप्लीट हो जाता है पहला पार्ट, तो उसमें सबसे पहले कौन सा लाइनिंग किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग टेम्पोररी लाइनिंग करते हैं। टेम्पोररी लाइनिंग यहाँ साइड साइड से हम लोग ये लकड़ी का फ्रेम देके ही करते, ताकि ये साइड का फ्रेम मिट्टी जो है आपका यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को यहाँ प्लेटफॉर्म बना के किया जाता है, जिस आदमी को बचाया जा सके। टेम्पोररी लाइनिंग किसका बना हुआ रहता है, जो टेम्पोररी लाइनिंग हम लोग साफ सिंकिंग के लिए करते हैं, साफ सिंकिंग में सबसे पहले टेम्पोररी लाइनिंग का यूज करते हैं। इसमें जो टेम्पोररी लाइनिंग यूज करेंगे किसका होगा, वो होता है वुडन फ्रेम होता है, वुडन फ्रेम या स्टील गर्डर का फ्रेम। जैसे मान लीजिए ये आपका सिंकिंग शाफ्ट है, यहाँ से आप खुदाई करके यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, तो आपका क्या होगा उसके बाद ये साइड धसने का डर रहता है, इसलिए क्या करता है लकड़ी का इस तरह का बनाया जाता है सामान, लकड़ी का दोनों साइड से फ्रेम इस तरह का एक किया जाता है, जिससे क्या होता है ये एक तरह का एक दीवार बन जाता है, जिसके कारण ये जो मट्टी है आपका इस वर्किंग प्लेस में धसने का चांसेस कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्ट सिंकिंग में पायलट होल क्यों किया जाता है। पहले बोला कि पायलट होल करने का मेन पर्पस है शाफ्ट का साइड सिलेक्शन करने के लिए, तो क्या करता है रॉक डाटा कलेक्ट करता है, रॉक डाटा कलेक्ट करने के लिए। रॉक डाटा कलेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि आप शाफ्ट का साइड को सिलेक्शन कर सके, शाफ्ट का साइड सिलेक्ट कर सिलेक्शन कर सके, जहां पर आप सिंकिंग कीजिएगा तो कुआं खोदिएगा तो पानी का पानी से पेच होगा, तो वाटर लेवल सिलेक्शन करने के लिए रॉक पायलट होल करने से आपको शाफ्ट का कॉस्ट कितना होगा, सिंकिंग का कॉस्ट एंड टाइम, सिंकिंग को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा होगा, लास्ट इसका पायलट होल करने का मेन पर्पस लास्ट है शाफ्ट का डिजाइन एंड परमानेंट लाइनिंग। टेम्पररी लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग सरफेस से परमानेंट लाइनिंग करते हैं। अगर मेरा शाफ्ट सिंकिंग का वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए शाफ्ट सिंकिंग का पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।